न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा। देखिए यहां पर बता दें कि अभी तक कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस दिन से उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था और इस्तीफे देने की बात बाहर निकल कर आई थी कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगी, इसके बाद बता दें कि कल यहां पर सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव मानी गई थी और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इस बीच यहाँ पर उनको क्वारंटाइन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से उनका स्वास्थ्य हमेशा ही सही नहीं रहता है उसको देखते हुए यहाँ माना जा रहा है कि जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनका स्वास्थ्य कोरोना की वजह से और ज्यादा गिरता जा रहा है और उनको डॉक्टर्स ने यहाँ पर आराम करने की सलाह दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य हमेशा से ही खराब रहता है, जिस वजह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स को कैंसिल करा दिया गया था। इसी बीच आपको बता दें कि उन्होंने अपना जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था वो इसी वजह से दिया था क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही ना रहने की वजह से ना वो पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड कर पाती थी, ना ही वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर पाती थी और ना ही वो किसी से इतना ज्यादा वार्तालाप कर पाती थी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर देखा गया है कि जब से उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा उसके बाद से उनकी तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी है और यहाँ पर डॉक्टरों ने उनको बहुत बड़ी सलाह दी है कि उनको रेस्ट करने की बेहद जरूरत है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि वो कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर दूसरी बार पाई गई है और कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम्स उनके अंदर पाए गए हैं, जिसकी वजह से उनको क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि अगर वो क्वारंटाइन नहीं रहती हैं तो शायद उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ सोनिया गांधी के पर्सनल फैमिली डॉक्टर ने उनको इतनी बड़ी बात कही है जिसको लेकर यहाँ गांधी परिवार में टेंशन छाई हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को डॉक्टर ने साफ और सीधे तौर पर बता दिया है कि अगर वो इस कोरोना क्वारंटाइन को अगर नहीं कर पाती हैं पूरा तो शायद उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि यहाँ पर सोनिया गांधी एक वरिष्ठ नेता भी हो चुकी है और काफी ज्यादा बुजुर्ग भी हो चुकी है, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर अपना अध्यक्ष पद भी छोड़ा था। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर सोनिया गांधी की तबीयत में कोई सुधार आता है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।